ब्राइट वेलकम चल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम, टेली प्राइम की जो क्लास है टेली, इस क्लास के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं कि यदि हम लोग कोई माल सेल कर रहे हैं ना, माल यहाँ पे क्या सेल्स की एक एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे मैं कीबोर्ड जीएसटी है मेरे पास एक, उसको मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दिया 1000, 1000 पीस मैंने यहाँ पे डाले हैं और यहाँ पे वार्निंग आ रही है नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक में लिखा हुआ है -500। इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ माल सेल कर रहे हैं, हमारे पास जो कीबोर्ड है जीएसटी वाले, वो 1000 पीस नहीं है, टोटल 500 पीस है और 500 नेगेटिव है। इसका मतलब 500 पीस हमारे पास उपलब्ध है, 500 माइनस में है, 500 हमारे पास पीस नहीं है। अब इस सूचना से हमें दो बातें पता चलती हैं, या तो हम लोग यहाँ पे एक काम करें कि इनको 500 कर दें, या फिर एक काम कर सकते हैं कि आप बिल काट दें और 500 माल आप 500 मंगा के, जब आप जिसको भी माल बेच रहे हैं उसको 500 पीस और मंगा के उसके बाद आप उनको 1000 पीस आपको आगे भेजना है। तो यानी इस वार्निंग का दोनों मतलब है, या तो आप 500 पीस कम करें इनको, या फिर यहाँ पे 500 पीस और मंगा के और उस पार्टी को माल एक साथ माल भेजें, या 500 बाद में भेजें। यानी कहने का मतलब आपके पास में 500 पीस कम है, ये सूचना आपको यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि नेगेटिव स्टॉक हम देखना चाहते हैं कि कभी भी हम माल सेल करते समय हमें ये पता चल जाए कि हम जो सेल कर रहे हैं उसमें हमारे पास में माल नेगेटिव कितना है, वो हमें सूचना मिलनी चाहिए। और ये सूचना आप चाहते हो कि आप भी यहाँ पे ऐसी सूचना चाहते हो अपने वाउचर्स के अंदर, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले जाना और वहां पे एक टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर होगा, उस पर डबल क्लिक करके चालू कर लेना। जैसे आप चालू करेंगे सॉफ्टवेयर, यहाँ पे इस तरीके से रन हो जाएगा। रन होने के बाद में नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर भी नहीं है, या फिर आपने कंपनी सॉफ्टवेयर है लेकिन आपने कंपनी नहीं बना रखी, या फिर यहाँ पे सेलेक्ट होकर नाम नहीं आ रहा है, तो एक काम करें, YouTube चैनल पे लिखे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करें। एंटर करके प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी टेली प्राइम की। टेली प्राइम की प्लेलिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 क्लास देख लें। आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना, कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा। आने के बाद में आपको ये टॉपिक करना है। इस टॉपिक के लिए सबसे पहले काम करना, आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली में। गेटवे ऑफ टेली में यहाँ पे आपको करना है वाउचर्स। वाउचर्स में आपको एफेट करना है। एफेट में आप वाउचर्स पे जाएंगे, सेल करेंगे, और सेल करने पे यहाँ पे सेल्स का वाउचर चालू हो जाए। यहाँ पे पार्टी कोई भी हो सकती है, या फिर नगद बेच देते हैं हम लोग, यहाँ पे कैश कर देते हैं। यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करें, या एक्सेप्ट पे क्लिक कर ले। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करें कीबोर्ड से शॉर्टकट, या फिर एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे अगर आपके कंप्यूटर में प्ले लिस्ट आ रहा है तो यहाँ पे आप प्राइस लेवल आ रहा है तो नॉट एप्लीकेबल कर लें, नहीं आ रहे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। सेल्स लेजर की बात करें तो यहाँ पे सेल्स ले लेना है, और इसके बाद में नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे आपको क्या लेना है, नेम ऑफ आइटम ले लेना है। मान लें मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिया, वैसे तो यहाँ लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में कीबोर्ड शो कर देता है। अगर कीबोर्ड का मैं यहाँ पे जीएसटी वाला ले रहा हूँ तो मेरे पास 0 पीस है, और एचपी वाला ले रहा हूँ तो 104 पीस है। मान लेते मैंने 104 पीस वाला ये चूज किया, एंटर किया, या फिर आपने भी यहाँ पे जीएसटी वाला ये फर्स्ट वाला ले लिया, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे अगर आपके इसमें भी ट्रैकिंग नंबर आ रहा है तो नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर आ रहा है तो नॉट एप्लीकेबल, ये दोनों चीजें आपको लेते हुए आगे बढ़ना है। और लोकेशन में आपको एम दबा के मैन लोकेशन ले लेना। क्वांटिटी में यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ 1000 पीस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई एरर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जबकि मेरे पास में जीएसटी कीबोर्ड एक भी मेरे पास पीस नहीं है। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि हम ये एरर चालू, ये वार्निंग चालू करना चाहते हैं, तो एस्केप की से या क्विट करके बैक आए। बैक आने पर जब आप यहाँ पे सेल्स वाउचर में रहते हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ नीचे नीचे कीबोर्ड का F12 आएगा। कीबोर्ड से F12 की प्रेस करें शॉर्टकट, या फिर कॉन्फिगर पे क्लिक करें। जब कॉन्फिगर पे क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं तो यह मैसेज आएगा। इस मैसेज में आप देखोगे तो आपको एक टॉपिक दिखाई देगा, वार्निंग, वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस। ये नो हो रहा है, इसको मैं जैसे यस करता हूँ और कंट्रोल है करके एक्सेप्ट करता हूँ, या एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं ये माल सेल करता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे कि 1000 पीस देने पर यहाँ पे वार्निंग आ रही है कि नेगेटिव स्टॉक है आपके पास 1000, पूरा का पूरा 1000 पीस जो आप सेल कर रहे हैं वो आपके पास में एक भी पीस नहीं है। इसका मतलब है कि आप या तो माल सेल नहीं करें, या फिर आप सेल कर रहे हो तो आप 1000 पीस आपको मंगवाने होंगे। इस वार्निंग का मतलब दोनों है। अगर मैं यहाँ पे 1 भी देता हूँ तब भी यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आएगा, क्योंकि मेरे पास इस कंपनी में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कीबोर्ड जीएसटी एक भी पीस नहीं है। इसलिए 1 पीस देने पर भी इसने क्या किया, मुझे नेगेटिव स्टॉक बताया।
और वार्निंग दे कि आपके पास में पीस कीबोर्ड के नहीं है, तो इस कंडीशन में सोचना है आप इसे वन पीस मंगा के दें या फिर माल सेल नहीं करें। ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया था वैसा सेम टू सेम मैंने आपको करके दिखाया है। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप यहाँ पे कमेंट्स में डाल सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।